नमस्कार मेरे छात्रों, आज हम देखते हैं कक्षा दसवीं विषय हिंदी पाठ तीसरा वाहरे हमदर्द। पाठ के लेखक है घनश्याम अग्रवाल। उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रमुख कृतियां हैं हंसीकर आईने, हास्य व्यंग्य आजाद की धूम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़ी ही रोचक ढंग से व्यक्त किए हैं। हमदर्द भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है यह बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है। अभी पाठ को शुरुआत करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया, कार को गुस्सा अधिक आया। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता, किंतु मेरी साइकिल वह कार जब तरीक आई तो विरोधता की तरह एक दूसरे को घृणा से नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खाम खाम पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप एक बिस्तर पर आया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं, एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों को और देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, टांग अड़ाना यानी टांग बांधना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका तो वो समझा आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला नियंत्रण है। मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैंने कभी उससे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसास चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के बारे में एक तो मरीज को वैसे नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आई भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं।
इन्हें मरीज जैसे हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरज दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंता उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही देती थी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। उसके दो घंटे बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल से कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती से मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझसे पड़ोस से कमरे में से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं का सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखती भाग पड़ा। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में छोला दबाए आ पहुँचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इस संदर्भ में यह कविता बनाई। छोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रंग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अभी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता है सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया।
अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ए ईश्वर, अगर मुझे तेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा भाई मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते ये हमदर्दी जताने वाले। लेखक ने बताया है सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों को होने वाली परेशानी कैसी होती है। तो देखते हैं, देश में अग्रणी निजी अस्पताल है, परंतु देश की आधी से अधिक गरीब जनता सार्वजनिक अस्पताल से निर्भर है। उन अस्पताल की हालत बहुत दयनीय है। इन अस्पताल के एक्सरे आदि मशीनों का कोई ठिकाना नहीं होता है। गरीबों को वहाँ इलाज स्थान पर तकलीफ भी मिलती है। सार्वजनिक अस्पतालों में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। डॉक्टर यदि मिल भी जाता है तो दवाइयाँ नहीं मिलती। इसलिए मरीजों को जो हमें दमों पर बाहर से दवाइयाँ खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारी का व्यवहार भी रोगियों के प्रति बहुत खराब होता है। ऐसे में इन अस्पतालों में मरीज का ढंग से इलाज नहीं हो पाता, इसलिए लोग इन अस्पतालों में जाने से कतराते हैं। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी लेखक ने बताया है। मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानियाँ बरतना चाहिए अत्यंत आवश्यक है। मरीज से मिलने जाते समय उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट न पहुँचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम व अच्छी नींद आवश्यक है। अतः मरीज के पास ज़्यादा देर तक बैठना, जोर जोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना यदि उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके मरीज का उत्साह बढ़ना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसके आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ देते हैं, इसलिए मरीज से देसी नुस्खे आजमान की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम पैदा करना चाहिए।